और सीधे आपको लिए चलते हैं बेलूर मठ, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंच पर पहुंच चुके हैं। यहां पर छात्रों को संबोधित करेंगे। स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है, जिस मौके पर प्रधानमंत्री यहां पर बेलूर मठ में कल रात ही वो पहुंच चुके थे, पहले प्रधानमंत्री जिन्होंने बेलूर मठ में रात्रि विश्राम भी किया। बेलूर मठ से पुराना संबंध रहा है प्रधानमंत्री मोदी का, एक भावुक संबंध रहा है। 60 के दशक में लगभग प्रधानमंत्री मोदी यहां पर आए थे, जिस वक्त वो राजनीति में या राजनीति से नहीं जुड़े थे, उस वक्त वहां पे उन्होंने संत बनने की इच्छा जताई थी। लेकिन उस वक्त के जो मौजूदा अध्यक्ष थे, उन्होंने कहा कि इस वक्त आपकी उम्र भी कम है, संत बनने की उम्र नहीं है, और वैसे भी आपको शिक्षा पर इस वक्त ज्यादा ध्यान देना चाहिए। जिसके बाद प्रधानमंत्री यहां से चले गए थे, लेकिन स्वामी विवेकानंद के विचारों से इतने प्रभावित रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी कि आध्यात्मिक तौर पर भी और उनके विचारों से प्रेरित होकर उनके हर भाषण को जब भी आप सुनेंगे या जानेंगे तो उनके जीवनी में कहीं ना कहीं उनके आदर्शों को पालन करते हुए प्रधानमंत्री नजर आए हैं, सुनाई दिए हैं। और ऐसे में बेलूर मठ आना, जहां पर उनके गुरु भी थे जिनका अब देहावसान हो गया है, ऐसे में ट्वीट करके भी जब वो कोलकाता दौरे पर आ रहे थे तो उन्होंने कहा कि गुरु का ना होना यहाँ पर वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं कि ऐसे समय में जब वो जाएंगे तो उनके गुरु नहीं होंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री बनने के बाद जब पहली बार बेलूर मठ गए थे तो वहां पर उनके गुरु भी मौजूद थे, उनसे मुलाकात की, आशीर्वाद लिया, जो साधु संत थे उनके साथ पूजा अर्चना की। हालांकि इस बार के दौरे में भी, ये 2 दिनों का कोलकाता दौरा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कोलकाता पहुंचे, कई कार्यक्रम है, कई कार्यक्रमों में हिस्सा लिया प्रधानमंत्री मोदी ने, आज भी कई कार्यक्रम है, काफी हेक्टिक शेड्यूल है। और इस बीच राजनीति भी अपने चरम पर है, कल 2-2 बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से राजभवन में भी और उसके बाहर एक कार्यक्रम में भी उनकी मुलाकात हुई। ममता बनर्जी ने अपनी शिकायतें रखी सीएए को लेकर, उन्होंने पुनर्विचार की बात कही, जिसको लेकर प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया कि यहां पर इनका जो दौरा है प्रधानमंत्री का वो दूसरे मकसद से है, कई दूसरे कार्यक्रम है जिसमें वो शामिल होने के लिए आए हैं। ऐसे में सीए को लेकर या फिर एनआरसी को लेकर कोई बात अगर करनी है तो वो दिल्ली आए, दिल्ली में इस बाबत वो बात करेंगे। और ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, 3 तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, बेलूर मठ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। कल रात ही हावड़ा ब्रिज पे जो लाइट एंड साउंड कार्यक्रम था, उसके बाद प्रधानमंत्री नौका पर सवार होकर बेलूर मठ पहुंचे और यहां पर रात्रि विश्राम किया। आज सुबह सुबह उठकर जो मठ में पूजा अर्चना होती है साधु संतों के साथ, बाकायदा उसी तरह से मठ में पूजा अर्चना की प्रधानमंत्री ने, और उसके बाद छात्रों के सम्मुख वो पहुंच चुके हैं, जहां पर छात्रों को संबोधित भी करेंगे। फिलहाल The General Secretary of the Ramakrishna Math and Ramakrishna Mission felicitates the Honorable Prime Minister. The gathering of youth. Prime Minister. मनोज्ञा लोहिबाल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गई हैं। मनोज्ञा, प्रधानमंत्री मंच पर पहुंच चुके हैं, थोड़ी देर में छात्रों को संबोधित भी करेंगे। बिल्कुल, और मंत्रोच्चारण के साथ इसकी शुरुआत हो चुकी है। वैदिक मंत्रोच्चारण हो रहे हैं जो रामकृष्ण मिशन की परंपरा रहे हैं, रामकृष्ण मठ की, बेलूर मठ की। और इन सब के बीच में प्रधानमंत्री एक ओर जहां बैठे हैं, वहीं दूसरी ओर छात्र एक साथ इस मोमेंट को, इस पल को जीने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही खास पल है ये, क्योंकि ये पहला मौका है जब कोई प्रधानमंत्री बेलूर मठ आए हैं, बेलूर मठ में रहे हैं और बेलूर मठ में समय बिता रहे हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर प्रधानमंत्री की अगर आप मुद्रा देखें तो नमस्कार की मुद्रा में खुद मंत्रोच्चारण करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके साथ साथ वैदिक मंत्रोच्चारण करते हुए विश्वशंभुवं विश्वं नारायणं देवमक्षरं परमं पदं
विश्वतः परमान् नित्यं विश्वन्नारायणगं हरिं विश्वमेवेदं पुरुषस्तद्विश्वमुपजीवति पतिं विश्वस्यात्मेश्वरगं शाश्वतगं शिवमच्युतम् नारायणं महाज्ञेयं विश्वात्मानं परायणं नारायण परो ज्योतिरात्मा नारायणः परः नारायण परं ब्रह्म तत्त्वं नारायणः परः नारायण परो ध्याता ध्यानं नारायणः परः यच्च किञ्चिज्जगत् सर्वं दृश्यते श्रूयतेऽपि वा अन्तर्बहिश्च तत्सर्वं व्याप्य नारायणस्थितः अनन्तमव्ययं कविगुं समुद्रेन्तं विश्वशम्भुवम् पद्मकोशप्रतीकाशगुं हृदयं चाप्यधोमुखम् अधो निष्ट्यावितस्यान्ते नाभ्यामुपरि तिष्ठति ज्वालमालाकुलं भागी विश्वस्यायतनं महत सन्ततगुं शिलाभिस्तुलं वत्याकोशसन्निभम् तस्यान्ते सुशिरगुं सूक्ष्मं तस्मिन् सर्वं प्रतिष्ठितम् तस्य मध्ये महानग्निर्विश्वार्चिर्विश्वतो मुखः सोऽग्रभुग्विभजन् तिष्ठन्नाहारमजरः कविः तिर्यभूर्ध्वमधशायी रश्मयस्तस्य सन्तता सन्तापयति स्वं देहमापादतलमस्तकः तस्य मध्ये वह्निशिखा अणीयोर्ध्वा व्यवस्थितः नीलतो यदमध्यस्ताद्विद्युल्लेखेव भास्वरा नीवादशूकवत्तन्वी पीताभास्वत्यनुपमा तस्याः शिखाया मध्ये परमात्मा व्यवस्थितः स ब्रह्म स शिवः स हरिस्सेन्द्रः सोऽक्षरः परमस्वराट् ऋतगुं सत्यं परं ब्रह्म पुरुषं कृष्णपिङ्गलम् ऊर्ध्वरेतं विरूपाक्षं विश्वरूपाय वै नमो नमः ॐ नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णुः प्रचोदयात् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ ब्रह्मचारी प्रशिक्षण केंद्र के ब्रह्मचारी भाइयों का मनोज्ञा लोहिवाल हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मनोज्ञा, मंत्रोच्चार के साथ शुरुआत आज के दिन की। युवा दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में स्वागत भाषण के लिए बिल्कुल मंत्रोच्चारण के साथ शुरुआत हुई है। उसके बाद शांति मंत्र हैं और वैदिक मंत्र हैं और इन सबके बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ जोड़कर आंख बंद करके ध्यान लगाकर पूजन करते हुए न सिर्फ बात एक ऐसे भक्त की या एक ऐसे अनुयायी की जिसने स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़ा है और हमेशा फॉलो करने की कोशिश की है, बल्कि उसके साथ साथ कुछ ऐसे पल भी हैं जो बड़े ही खास थे। अब कुछ ही देर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ बैठे 5,000 से अधिक छात्रों को संबोधित करेंगे। उनके साथ साथ यही वो मौका है जब वो यहाँ पर पहली बार आए हैं। प्रधानमंत्री पहले हैं भारत के जो बेलूरट में आए हैं छात्रों के साथ वाद संवाद करने के लिए और उनके साथ साथ अपनी बात रखने के लिए। न सिर्फ छात्रों के लिए ही बड़ा मौका है, जिनसे हमने बात करने की कोशिश की उन्होंने बार बार यही कहा कि इन्हें शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता है, लेकिन खुद प्रधानमंत्री ने आज सुबह पहले मंदिर में पूजन अर्चन किया, ध्यान लगाया,
उनके लिए ये बाल्यकाल की यादें बार बार उनके यहाँ पर आती हैं और ये बात उन्होंने हर बार कही है कि उन्हें अपने बचपन की याद आती है, खास तौर से 60 के दशक में जब वो यहाँ आए थे। उसके बाद कई बार आए हैं, ऐसा नहीं है कि वो पहली बार आ रहे हैं, पहली बार प्रधानमंत्री के तौर पर यहाँ पर रहे हैं, लेकिन इसके पहले भी कई बार रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था इस समय चाक चौबंद है, क्योंकि ध्यान में रखने वाली बात यह है कि विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं कोलकाता में लगातार। बेलूर मठ या रामकृष्ण मिशन की बात थोड़ी सी अलग होती है, यही वजह है कि यहाँ और इस इलाके के आसपास किसी भी तरह का विरोध प्रदर्शन नहीं हुआ है, लेकिन प्रधानमंत्री मंच पर बैठे हुए एक भक्त के तौर पर, एक प्रधानमंत्री के तौर पर कई किरदार एक साथ इस मंच से निभाते हुए। A young boy came to Belur Math with the aspiration to embrace monastic life. And later on, stalwarts like Swami Madhavananda Ji and others advised him to wait for a while to become slightly adult and also maybe more mature in age. Anyway, then he came in contact with another illustrious Swami of our order, Swami Atmasthananda Ji, who was the head of our center in Rajkot, Gujarat. And it was, if my information goes right, if I am wrong, I stand corrected. It was Swami Atmasthananda Ji who inspired him to work for the country, to dedicate the life of the country. And that young boy who came in early 60s of 1900 to Belur Math to become a monk of Ramakrishna order. हर लड़का वापस आता है तो उसका स्वागत जैसे किया जाता है, वैसे ही मेरा स्वागत किया करिए। To welcome such a great personality today, especially when we are observing, and it's a proud privilege for me, in particular, and all our people, monks and otherwise. हम सुन पा रहे हैं जो ये शख्स हैं, इनके बारे में जरा बताएं कि ये कौन हैं। हालांकि इनकी बातों में ये जो वहां पर छात्र मौजूद हैं उन्हें बताने की कोशिश कर रहे हैं कि 60 के दशक में एक लड़का आया था यहाँ पर बेलूर मठ, और किस तरह से वो उसने संत बनने की इच्छा जताई थी, और किस तरह से वहां पर मौजूद स्वामी जी ने उन्हें कहा था कि आप अभी उम्र आपकी बहुत कम है, आप थोड़े मैच्योर हो जाइए, थोड़े और बड़े हो जाइए, और उसके बाद फिर आप यहाँ पर आइएगा। प्रधानमंत्री के बारे में, उनकी जीवनी के बारे में, उनके अर्ली लाइफ के बारे में बता रहे हैं। बिल्कुल, प्रधानमंत्री इसके पहले स्वामी आत्मनाथानंद जी से बहुत ही करीबी रहे हैं, बार बार उनके पास जाते रहे हैं, गुजरात में हो या बंगाल में हो। इनफैक्ट वो जब भी बंगाल आए हैं राजनीतिक रैलीज के लिए भी जब कोलकाता आए हैं, तो तीन बार आने के बाद तीनों बार वो रामकृष्ण मिशन अस्पताल में जाकर वहां पर स्वामी जी से मिलकर गए थे। स्वामी जी अब नहीं रहे, उन्होंने अपने ट्वीट्स में भी ये बार बार कहा है कि मुझे उनकी कमी खलती है, ये पहली बार होगा जब मैं बेलूर मठ जाऊंगा इस शून्यता के साथ। शून्यता शब्द अपने आप में इतना भारी शब्द है जिसका इस्तेमाल बताता है कि उसका क्या महत्व है स्वामी आत्मनाथानंद जी का, क्योंकि वही थे जिन्होंने हमेशा उन्हें राह दिखाई थी, हमेशा उन्हें कहा था कि आगे किस पथ पर चलना है, आध्यात्म के पथ पर, राजनीति के पथ पर, देश सेवा के पथ पर। राजनीति शब्द का इस्तेमाल भी उस समय नहीं किया गया था, उनसे सिर्फ ये कहा गया था कि जन सेवा के जरिए ही देश सेवा होगी और तुम्हें यही करना है। उसके बाद बेलूर मठ वो हमेशा आते रहे, लेकिन 60 के दशक से लेकर अब तक 50 वर्ष से ज्यादा हो चुके हैं, ये नाता नहीं टूटा, ये नाता इतना प्रगाढ़ होता चला गया, इतना गंभीर और उसके साथ साथ इतना दृढ़ होता चला गया, जिसमें एक दूसरे पर विश्वास बढ़ा है, साथ ही साथ एक दूसरे के प्रति मान सम्मान भी बढ़ा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री ने स्वामी विवेकानंद की बात न सिर्फ देश बल्कि विदेश में भी रखी है, उन्होंने बंगाल में भी सांस्कृतिक की और संस्कृति की चर्चा करते हुए कल ये भी साफ बोल दिया था कि न सिर्फ ये स्वामी विवेकानंद की जन्मभूमि है, रामकृष्ण परमहंस की जन्मभूमि है, इसके पहले जब वो आए हैं तो दक्षिणेश्वर मंदिर भी गए हैं, वहां जाकर भी ध्यान लगाया है। ये अपने आप में बताता है कि उन्हें अपनी बाल्यकाल की यादें, क्योंकि बात सिर्फ आध्यात्म की नहीं है या किसी का अनुयायी होने की या उनकी बातें को अपने जीवन में अनुसरण करने की कोशिश नहीं है, उससे कई गुना ज्यादा है। एक ऐसे व्यक्तित्व है स्वामी विवेकानंद, जिनके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार नहीं कई बार सैकड़ों बार कहा है कि उनके लिए उनके जीवन में क्या महत्व है। जब यहाँ आए हैं आज छात्रों के बीच में अपनी बात रखना, ये दोनों की बात
न सिर्फ प्रधानमंत्री का मन था कि वो यहाँ पर आके छात्रों से मुलाकात करें, अपनी बात रखें, बल्कि छात्रों को भी एक ऐसा अनुभव दें जो 12 जनवरी के लिए यादगार हो, जो जन्मतिथि है स्वामी विवेकानंद की। इससे खूबसूरत मौका और क्या हो सकता है। लेकिन जब बात गुरु और शिष्य की होती है, एक गुरु और भक्त की होती है, तो उस बीच में जो एक रिश्ता रहता है वो कई बार रहा है। स्वामी आत्मस्थानंद जी से इसके पहले वो जब भी मिले हैं गुजराती में बात करते थे, केम छो गुरु जी, सारू छे गुरु जी ने जवाब दिया था। उसके बाद जब उनका निधन हो गया उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके अपनी बात, अपने मन की बात, अपने दिल की बात रखी थी, ये कहते हुए कि इस शून्यता के साथ जीवन बिताना बड़ा मुश्किल होगा। लेकिन उन सब के बीच में आज वो एक ऐसा पल है जब एक अपने स्कूल का बच्चा जब अपने ही स्कूल में आकर प्रिंसिपल के साथ अपनी बात रखता है, ये वो पल है जब एक छात्र अपने जीवन के अनुभव को आने वाली पीढ़ी के सामने रखेगा और उसके साथ साथ इन छात्रों के साथ बातचीत भी करेंगे, अपनी बात भी रखेंगे। बहुत बड़ा पल है यहाँ के लोगों के लिए, विरोध प्रदर्शन एक तरफ लेकिन ये पल और ये पूरा कार्यक्रम एक तरफ। बिल्कुल, और तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पर, आपने जिस तरह से बात कही कि स्कूल में ऐसा लग रहा है कि वो अपने स्कूल में दोबारा लौटे हों, तो एक अनुभूति, हर चीज़ को महसूस करना चाहते हैं और उनके बारे में, उनके जीवनी के बारे में, उनके अर्ली लाइफ के बारे में बताते हुए वहाँ पर जो बाकी छात्र हैं उन्हें बताया जा रहा है कि किस तरह से प्रधानमंत्री यहाँ पर आए थे, नरेंद्र मोदी यहाँ पर आए थे 60 के दशक में जब वो युवा थे। और आज के दिन अपने आप में काफ़ी महत्व है, पूर्ण है। 12 जनवरी जो कि युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्वामी विवेकानंद की जन्म जयंती है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं बेलूर मठ, रात्रि विश्राम भी किया यहाँ पर। पिछले बार भी जब वो आए थे कोलकाता उस समय भी बेलूर मठ आए थे और इस बार एक बार फिर दूसरी बार जब उनका दूसरा टर्म है प्रधानमंत्री के तौर पर एक बार फिर बेलूर मठ आए, लेकिन इस बार उनके गुरु नहीं हैं, स्वामी जी नहीं हैं, जिसके बारे में उन्होंने ट्वीट करके भी लिखा था कि उन्हें उस शून्य का अनुभव होगा, वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं, वो कल्पना नहीं कर पा रहे हैं बेलूर मठ स्वामी जी के बगैर। और ऐसे में आज युवा दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सबसे पहले आज के कार्यक्रम की शुरुआत हुई है मंत्रोच्चार के साथ, स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मठ, रामकृष्ण मिशन और वेदांत सोसाइटी की नींव रखी थी। स्वामी विवेकानंद को और उनके विचारों से काफी प्रेरित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचे हैं और थोड़ी ही देर में यहां पर मौजूद तमाम छात्रों को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कितने आध्यात्मिक हैं और किस तरह से उनका जुड़ाव और लगाव रहा है अध्यात्म से, स्वामी विवेकानंद से, रामकृष्ण परमहंस से, ये देखने और सुनने को मिलता रहा है। मनोज्ञा हमारी संवाददाता हमारे साथ बनी हुई हैं। मनोज्ञा, आर्ट और कल्चर को लेकर कोलकाता, पश्चिम बंगाल आप कहें कि वो जाना जाता रहा है और वहां की संस्कृति और सांस्कृतिक विरासत को लेकर भी प्रधानमंत्री ने इस बार जिक्र भी किया और कल के कार्यक्रम में भी उन्होंने इस बात को और आगे बढ़ाने और ले जाने की बात कही। बिल्कुल, उन्होंने एक बात और कही थी कि स्वामी विवेकानंद जब विदेश गए थे तो अमेरिका में उन्होंने कहा था कि 19वीं सदी आपकी हो सकती है लेकिन 21वीं सदी भारत की होगी। और अब जब प्रधानमंत्री कुछ ही देर में संबोधित करेंगे तो उस बात को भी रखना लाजमी है, क्योंकि जो बातें स्वामी विवेकानंद ने कही हैं उसे एक बार फिर वो अपनी भाषण में, अपने स्पीच में, अपने जीवन में, अपने ट्वीट में, हर जगह से कहीं ना कहीं हमेशा उसे उसका एक रिफ्लेक्शन मिलता रहा है। लेकिन उसके साथ साथ ये महत्वपूर्ण है क्योंकि एक ओर जहां विरोध प्रदर्शन हो रहा है तो वहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात हो रही है, लेकिन ये ऐसे पल भी हैं जो यादगार रहते हैं क्योंकि छात्रों के लिए अपने प्रधानमंत्री को देखना, अपने एक सीनियर छात्र को देखना, एक ऐसे व्यक्ति को देखना जिसने बेलूर मठ के लिए इतना समय बिताया है पर्सनली यहाँ पर नदी किनारे, हुगली नदी किनारे काफ़ी सारा समय उन्होंने बिताया है। लेकिन इन सब के बीच में जब आप बात करते हैं इस पल की, अपने युवावस्था की बातें, अपने बाल्यकाल की बातें जब वो बताते हैं कि मैं यहाँ आता था, मैं यहाँ रहता था, मैं यहाँ बैठता था, मैं इस तरह से यहाँ समय बिताता था, तब किसी को नहीं पता था कि आने वाले भविष्य में क्या होगा। लेकिन जिस तरह से पथ और आध्यात्म की राह पर उन्हें इस आश्रम से, बेलूर मठ से आगे बढ़ाया गया, आगे चलाया गया है, वो बहुत महत्व रखता है। और ये बात उन्होंने हर बार कही है, हर बार इसे जिया है और आज भी इस मंच से ये बात कहना
एक्सपेक्टेड है। उसके साथ साथ जिस तरह से स्वामी विवेकानंद और अभी जो बातें कही जा रही हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री ने बहुत ही साधारण रूप से जैसा कोई और व्यक्ति आता है ठीक उसी तरह एक सामान्य व्यक्ति की तरह कल यहाँ पर अपना समय व्यतीत किया है। जब रात को आए हैं रात्रि विश्राम यहाँ किया है तो किसी प्रधानमंत्री के रूप में नहीं, जो फैसिलिटीज होती हैं इनफैक्ट जिस तरह से वो यहाँ रहे हैं एक साधारण व्यक्ति की तरह। और अब प्रधानमंत्री अपना भाषण शुरू करते हुए कुछ ही मिनटों में अपना संदेश देते हुए छात्रों को, आपको अगर उनकी वेशभूषा के बारे में बताएं तो अत्रिय है, शॉल है, एक धोती है जो आपको यहाँ के बाकी स्वामी और बाकी सारे लोगों के उस कपड़ों पर एक झलक मिलती है वो आपको मिलेगी। क्योंकि जो व्यक्ति यहाँ आता है वो इस जगह को अपना बना लेता है, या यूं कहें ये जगह उसे अपने आप को अपना बना रहती है। प्रधानमंत्री ने बोलना शुरू किया है और जैसे ही बोलना शुरू किया है छात्रों के मोबाइल फोन्स एक और जहाँ हाथ में उड़ गए हैं तो वहीं राम पूज्य संतगण, अतिथिगण, मेरे युवा साथियों, आप सभी को स्वामी विवेकानंद जयंती के इस पवित्र अवसर पर, राष्ट्रीय युवा दिवस पर बहुत बहुत शुभकामनाएं। देशवासियों के लिए बेलूर मठ की इस पवित्र भूमि पर आना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। लेकिन मेरे लिए तो हमेशा से ही ये घर आने जैसा ही है। मैं प्रेसिडेंट स्वामी का, यहां के सभी व्यवस्थापकों का हृदय से बहुत आभारी हूं कि मुझे कल रात यहां रहने के लिए इजाजत दी। और सरकार का भी मैं आभारी हूं क्योंकि सरकार में प्रोटोकॉल, सिक्योरिटी ये भी इधर से उधर जाने नहीं देते हैं। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट को व्यवस्था वालों ने भी माना और मुझे इस पवित्र भूमि में रात बिताने का सौभाग्य मिला। इस भूमि में, यहां की हवा में स्वामी रामकृष्ण परमहंस, मां शारदा देवी, स्वामी ब्रह्मानंद, स्वामी विवेकानंद सहित तमाम गुरुओं का सानिध्य हर किसी को अनुभव होता है। जब भी यहां बेलूर मठ आता हूं तो अतीत के वो पृष्ठ खुल जाते हैं। जिनके कारण आज मैं यहां हूं और 130 करोड़ भारतवासियों की सेवा में कुछ कर्तव्य निभा पा रहा हूं। पिछली बार जब यहां आया था तो गुरुजी स्वामी आत्मास्थानंद जी के आशीर्वचन लेकर के गया था
और मैं कह सकता हूं कि उन्होंने मुझे उंगली पकड़ करके जन सेवा ही प्रभु सेवा का रास्ता दिखाया था। आज वो शारीरिक रूप से हमारे बीच विद्यमान नहीं है, लेकिन उनका काम, उनका दिखाया मार्ग रामकृष्ण मिशन के रूप में सदा सर्वदा हमारा मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। यहां बहुत युवा ब्रह्मचारी बैठे हैं, मुझे आज उनके बीच कुछ पल समय बिताने का मौका मिला। जो मन स्थिति आपकी है कभी मेरी भी हुआ करती थी, और आपने अनुभव किया होगा हम में से ज्यादा लोग यहां खींचे चले आते हैं। उसका कारण विवेकानंद जी के विचार, विवेकानंद जी की वाणी, विवेकानंद जी का व्यक्तित्व हमें यहां तक खींच करके ले आता है। लेकिन इस भूमि में आने के बाद माता शारदा देवी का आंचल हमें बस जाने के लिए एक मां का प्यार देता है। जितने भी ब्रह्मचारी जी होंगे सबको यही अनुभूति होती होगी जो कभी मैं करता था। स्वामी विवेकानंद का होना सिर्फ एक व्यक्ति का होना नहीं है, बल्कि वो एक जीवन धारा का, जीवन शैली का नाम रूप है। उन्होंने दरिद्र नारायण की सेवा और भारत भक्ति को ही अपने जीवन का आदि और अंत मान भी लिया, जी भी लिया, और जीने के लिए आज भी करोड़ों युवकों को रास्ता भी दिखा दिया। आप सभी, देश का हर युवा, और मैं विश्वास से कहता हूं देश का हर युवा, चाहे विवेकानंद को जानता हो या न जानता हो, जाने अनजाने में भी उसी संकल्प का ही हिस्सा है। वक्त बदला है, दशक बदले हैं, सदी बदल गई है, लेकिन स्वामी जी के उस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का जिम्मा हम पर भी है, आने वाली पीढ़ियों पर भी है। और ये काम वो ऐसा नहीं है कि एक बार कर दिया तो हो गया, ये अविरत करने का काम है, निरंतर करने का काम है, युग युग तक करने का काम है। कई बार हम सोचने लगते हैं कि मेरे अकेले से करने से क्या होगा, मेरी बात कोई सुनता ही नहीं है, मैं जो चाहता हूं, मैं जो सोचता हूं, उस पर कोई ध्यान ही नहीं देता है। और इस स्थिति से युवा मन को बाहर निकलना बहुत जरूरी है।
और मैं तो सीधा साधा मंत्र बता देता हूं जो मैं भी कभी गुरुजनों से सीखा हूं। हम कभी अकेले नहीं है, कभी भी अकेले नहीं है। हमारे साथ एक और होता है जो हमें दिखता नहीं है, वो ईश्वर का रूप होता है। हम अकेले कभी नहीं होते हैं। हमारा सृजनहार हर पल हमारे साथ ही होता है। स्वामी जी की वो बात हमें हमेशा याद रखनी होगी जब वो कहते थे, अगर मुझे 100 ऊर्जावान युवा मिल जाएं, तो मैं भारत को बदल दूंगा। स्वामी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मुझे 100 लोग मिल जाएंगे तो मैं ये बन जाऊंगा, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने ये कहा, भारत बदल जाएगा। यानी परिवर्तन के लिए हमारी ऊर्जा, कुछ करने का जोश ही वो जज्बा बहुत आवश्यक है। स्वामी जी तो गुलामी के उस कालखंड में 100 ऐसे युवा साथियों की तलाश कर रहे थे, लेकिन 21वीं सदी को भारत की सदी बनाने के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए तो करोड़ों ऊर्जावान युवा आज हिंदुस्तान के हर कोने में खड़े हो चुके हैं। दुनिया की सबसे बड़ी युवा आबादी का खजाना भारत के पास है। साथियों, 21वीं सदी के भारत की, इस देश के युवाओं से ही नहीं, इस देश के युवाओं से सिर्फ भारत को ही नहीं, पूरे विश्व को बहुत कुछ अपेक्षाएं हैं। आप सभी जानते हैं कि देश ने 21वीं सदी के लिए, नए भारत के निर्माण के लिए बड़े संकल्प लेकर के कदम उठाए हैं। ये संकल्प सिर्फ सरकार के नहीं, ये संकल्प 130 करोड़ देशवासियों के हैं, देश के युवाओं के हैं। बीते 5 वर्षों का अनुभव दिखाता है कि देश के युवा जिस मुहिम के साथ जुड़ जाते हैं, उसका सफल होना तय है। भारत स्वच्छ हो सकता है या नहीं, इसको लेकर 5 वर्ष पहले तक एक निराशा का भाव था, लेकिन देश के युवा ने कमाल संभाली और परिवर्तन सामने दिख रहा है। 4-5 वर्ष पहले तक अनेक लोगों को ये भी असंभव लगता था कि भारत में डिजिटल पेमेंट का प्रसार इतना बढ़ सकता है क्या, लेकिन आज भारत दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ती डिजिटल अर्थव्यवस्था में अपनी मौजूदगी मजबूती के साथ बता रहा है। भ्रष्टाचार के विरुद्ध कुछ वर्ष पहले तक कैसे देश का युवा सड़कों पर था, ये भी हमने देखा है। तब लगता था कि देश में व्यवस्था को बदलना मुश्किल है, लेकिन युवाओं ने ये बदलाव भी कर दिखाया। साथियों,
युवा जोश, युवा ऊर्जा ही 21वीं सदी के इस दशक में भारत को बदलने का आधार है। एक प्रकार से 2020 ये जनवरी महिला एक प्रकार से नववर्ष की शुभकामनाओं से शुरू होता है, लेकिन हम ये भी याद रखें कि ये सिर्फ नववर्ष नहीं है, ये नया दशक भी है। और इसलिए हमें अपने सपनों को इस दशक के संकल्प के साथ जोड़ करके सिद्धि प्राप्त करने की दिशा में और अधिक ऊर्जा के साथ, और अधिक उमंग के साथ, और अधिक समर्पण के साथ जुड़ना ही है। नए भारत का संकल्प आपके द्वारा ही पूरा किया जाना है। ये युवा सोच ही है जो कहती है कि समस्याओं को टालो नहीं। अगर आप युवा हैं तो समस्या को टालने की कभी सोच ही नहीं सकता है। युवा है मतलब समस्या से टकराओ, समस्या को सुलझाओ, चुनौती को ही चुनौती दे डालो। इसी सोच पर चलते हुए केंद्र सरकार भी देश के सामने उपस्थित दशकों पुरानी चुनौतियों को सुलझाने के लिए प्रयास कर रही है। साथियों, बीते कुछ समय से देश में और युवाओं में बहुत चर्चा है सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की। ये एक्ट क्या है, इसे लाना क्यों जरूरी था, युवाओं के मन में बहुत से सवाल भांति भांति लोगों के द्वारा भर दिए गए हैं। बहुत से नौजवान जागरूक है, लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो अब भी इस भ्रम के शिकार हुए हैं, अफवाहों के शिकार हुए हैं। ऐसे हर युवा को समझाना भी हम सबका दायित्व है, और उसे संतुष्ट करना भी हम सबकी ही जिम्मेदारी है। और इसलिए आज राष्ट्रीय युवा दिवस पर मैं फिर से देश के नौजवानों को, पश्चिम बंगाल के नौजवानों को, नॉर्थ ईस्ट के नौजवानों को आज इस पवित्र धरती से और युवाओं के बीच खड़ा होकर के जरूर कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, ऐसा नहीं है कि देश की नागरिकता देने के लिए भारत सरकार ने रातों रात कोई नया कानून बना दिया है। हम सबको पता होना चाहिए कि दूसरे देश से किसी भी धर्म का कोई भी व्यक्ति जो भारत में आस्था रखता है, भारत के संविधान को मानता है, भारत की नागरिकता ले सकता है, कोई दुविधा नहीं है इसमें। मैं फिर कहूंगा, सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता छीन लेने का नहीं, ये नागरिकता देने का कानून है। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट उस कानून में
सिर्फ एक संशोधन है। ये संशोधन, ये अमेंडमेंट क्या है? हमने बदलाव ये किया है कि भारत की नागरिकता लेने की सहूलियत और बढ़ा दी है। ये सहूलियत किसके लिए बढ़ाई है? उन लोगों के लिए जिन पर बंटवारे के बाद बने पाकिस्तान में उनकी धार्मिक आस्था की वजह से अत्याचार हुआ, जुल्म हुआ, जीना मुश्किल हो गया, बहन बेटियों की इज्जत असुरक्षित हो गई, जीवन जीना ही एक सवाल या निशान बन गया, अनेक संकटों से ये जीवन ही घिर गया। साथियों, स्वतंत्रता के बाद पूज्य महात्मा गांधी से लेकर तब के बड़े बड़े दिग्गज नेताओं का यही कहना था कि भारत को ऐसे लोगों को नागरिकता देनी चाहिए जिन पर उनके धर्म की वजह से पाकिस्तान में अत्याचार किया जा रहा है। अब मैं आपसे पूछता हूं, मुझे बताइए कि ऐसे शरणार्थियों को हमने मरने के लिए वापस भेजना चाहिए क्या? भेजना चाहिए क्या? क्या हमारी जिम्मेवारी है कि नहीं है? उनको हमें बराबरी में हमारा नागरिक बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए? अगर वो कानून के साथ, बंधनों के साथ रहता है, सुख चैन की जिंदगी जोता है, तो हमें संतोष होगा कि नहीं होगा? ये काम पवित्र है कि नहीं है? हमें करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? औरों की भलाई के लिए काम करना अच्छा है कि बुरा है? अगर मोदी जी ये करते हैं तो आपका साथ है ना? आपका साथ है ना? हाथ ऊपर उठा करके बताइए, साथ है ना? हाथ ऊपर उठा करके बताइए, साथ है ना? हमारी सरकार ने देश को स्वतंत्रता दिलाने वाले महान सपूतों की इच्छा का ही हमने सिर्फ पालन किया है। जो महात्मा गांधी कह के गए उस काम को हमने किया है जी। और सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट में हम नागरिकता दे ही रहे हैं। किसी की भी नागरिकता छीन नहीं रहे हैं। इसके अलावा आज भी किसी भी धर्म का व्यक्ति, भगवान में मानता हो न मानता हो, जो व्यक्ति भारत के संविधान को मानता है वो तय प्रक्रियाओं के तहत भारत की नागरिकता ले सकता है। ये आपको साफ साफ समझ आया कि नहीं आया? समझ गए ना? जो छोटे छोटे विद्यार्थी हैं वो भी समझ गए ना? जो आप समझ रहे हैं ना, वो राजनीति खेल खेलने वाले समझने को तैयार नहीं है। वे भी समझदार हैं, लेकिन समझना चाहते नहीं है। आप समझदार भी हैं,
और देश का भला चाहने वाले युवा नौजवान भी है। और हां, जहां तक नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की सवाल है, हमारा गर्व है, हमारा नॉर्थ ईस्ट हमारा गर्व है। नॉर्थ ईस्ट के राज्यों की संस्कृति, वहां की परंपरा, वहां की डेमोग्राफी, वहां के रीति रिवाज, वहां के रहन सहन, वहां का खान पान, वहां की डेमोग्राफी, इस पर इस कानून के में जो सुधार किया गया है, इसका कोई विपरीत प्रभाव उन पर न पड़े, इसका भी प्रावधान केंद्र सरकार ने किया है। साथियों, इतनी स्पष्टता के बावजूद कुछ लोग अपने राजनीतिक कारणों से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेकर लगातार भ्रम फैला रहे हैं। मुझे खुशी है कि आज का युवा ही ऐसे लोगों का भ्रम भी दूर कर रहा है। और तो और, पाकिस्तान में जिस तरह दूसरे धर्मों के लोगों पर अत्याचार होता है, उसे लेकर भी दुनिया भर में आवाज हमारा युवा ही उठा रहा है। और ये बात भी साफ है कि नागरिकता कानून में हम ये संशोधन न लाते तो न ये विवाद छिड़ता, और न ये विवाद छिड़ता तो दुनिया को भी पता न चलता कि पाकिस्तान में माइनॉरिटीज पर कैसे कैसे जुल्म हुए हैं, कैसे मानव अधिकार का हनन हुआ, कैसे बहन बेटियों की जिंदगी को बर्बाद किया गया है। ये हमारे इनिशिएटिव का परिणाम है कि अब पाकिस्तान को जवाब देना पड़ेगा कि 70 साल में आपने वहां पर माइनॉरिटी के साथ ये जुल्म क्यों किया। साथियों, जागरूक रहते हुए जागरूकता फैलाना, दूसरों को जागरूक करना भी हम सभी का दायित्व है। और भी बहुत से विषय हैं जिसको लेकर के समाज जागरण, जन आंदोलन, जन चेतना आवश्यक होती है। जैसे पानी ही ले लो, पानी बचाना आज हर नागरिक का दायित्व बनता जा रहा है। सिंगल यूज प्लास्टिक के खिलाफ अभियान हो या फिर गरीबों के लिए सरकार की अनेक योजनाएं, इन सभी बातों के लिए जागरूकता बढ़ाने में आपका सहयोग देश की बहुत बड़ी मदद करेगा। साथियों, हमारी संस्कृति और हमारा संविधान हमसे यही अपेक्षा करता है कि नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों को, अपने दायित्वों को हम पूरी ईमानदारी और पूरे समर्पण भाव से निभाएं। आजादी के 70 साल दरमियान हमने अधिकार 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 बहुत सुना है, अधिकार के लिए लोगों को जागरूक भी किया है, और वो आवश्यक भी था। लेकिन अब अधिकार अकेला नहीं, हर हिंदुस्तानी का कर्तव्य भी उतना ही महत्वपूर्ण होना चाहिए। और इसी रास्ते पर चलते हुए हम भारत को विश्व पटल पर अपने स्वाभाविक स्थान पर देख पाएंगे। यही
स्वामी विवेकानंद जी की हर भारतवासी से अपेक्षा थी और यही इस संस्थान के भी मूल में है। स्वामी विवेकानंद जी भी यही चाहते थे, भारत मां को इस भव्य रूप में देखना चाहते थे और हम सब भी तो उन्हीं के तो सपनों को साकार करने के लिए संकल्पबद्ध लोग हैं। आज फिर एक बार स्वामी विवेकानंद जी की जयंती के पावन पर्व पर बेलूर मठ की इस पवित्र धरती पर पूज्य संतों के बीच बड़े मनोयोग से कुछ पल बिताने का मुझे सौभाग्य मिला। आज सुबह सुबह बहुत देर तक पूज्य स्वामी विवेकानंद जी जिस कमरे में ठहरते थे वहां पर एक आध्यात्मिक चेतना है, स्पंदन है। उस माहौल के अंदर आज का प्रातः काल का समय मुझे बिताने का, मेरा जीवन का बहुत अमूल्य समय था वो, जो मुझे आज बिताने का मौका मिला। ऐसा अनुभव कर रहा था जैसे पूज्य स्वामी जी हमसे और अधिक काम करने के लिए ही प्रेरित कर रहे हैं, नई ऊर्जा दे रहे हैं, हमारे अपने संकल्पों में नया सामर्थ्य भर रहे हैं और इसी भाव के साथ, इसी प्रेरणा के साथ, इसी नई ऊर्जा के साथ, आप सब साथियों के उत्साह के साथ, इस मिट्टी के आशीर्वाद के साथ मैं फिर एक बार आज यहां से उसी सपनों को साकार करने के लिए चल पड़ूंगा, चलता रहूंगा, कुछ न कुछ करता रहूंगा। सब संतों के आशीर्वाद बने रहे। आप सबको भी मेरी तरफ से अनेक अनेक शुभकामनाएं हैं और स्वामी जी ने हमेशा कहा था सब कुछ भूल जाओ, माँ भारती को ही अपनी देवी मान करके उसके लिए लग जाओ। उसी भाव को लेते हुए आप मेरे साथ बोलेंगे, दोनों मुट्ठी हाथ ऊपर करके पूरी ताकत से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।